इंडिया बाहर होने वाली है चैंपियन ट्रॉफी से और श्रीलंका एंट्री मारने वाली है इस इवेंट में। ये क्या सीन सुनने को मिल रहा है, मतलब कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 से इंडिया जैसी टीम जो वर्ल्ड क्रिकेट में एक वैल्यू रखती है वो बाहर हो जाएगी और श्रीलंका जो ताक में बैठी हुई उस्ताद श्रीलंका में हर चीज में ताक में बैठी हुई उस्ताद इंडिया मना करते हैं हमारा चांस बनता है। तुम लोग हमारे साथ ऐसा करो। शाहीन शाफरीदी को कि तू जाके बाबर आजम के गरेबान पकड़ ले, मोहम्मद रिजवान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकवास कर कि तुम इस्लाम के एम्बेसडर हो, ये बीसीसीआई ने बोला। सूर्य कुमार यादव का स्काई का पैर लगा था कि नहीं लगा था? अरे लगा था, लेकिन तुम देख रहे हो अपनी $25 की चाइनीज टीवी पे। दिमाग खराब है तुम लोगों का? आज ये पता लग रहा है कि तुम लोग एक दूसरे की जूता लात कर रहे थे इसलिए तुम हार गए, लेकिन अपने गरेबान में झांक के कभी मत देखना। भाई पीसीबी ने भी अपना प्लान बना लिया है कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान को नहीं आती चैंपियन ट्रॉफी खेलने तो पीसीबी क्या करने वाला है आपको पता ही है। जिस तरह से इंडिया में खबरों का बाजार गर्म किया जा रहा है, हम नहीं आएंगे ऐसा लगता है जैसे कोई फाइनल डिसीजन हो गया। मैं बस हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चेंज, बस एक बार आप आ जाए पाकिस्तान में, आपको बता दूं अगर इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान का जहरी सी बात है फाइनेंशियली बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया के आने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा भी ज्यादा कमाने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में, जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट आएगी। देखें इतनी बड़ी टीम्स आ रही है, इतना बड़ा इवेंट है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि इकॉनमी भी थोड़ी बेहतर होगी, आपका बोर्ड के पास भी पैसा बहुत ज्यादा आएगा। जय दोस्तों, भाई भारत वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज से बहुत ज्यादा अहमियत रखा हुआ है अभी चैंपियन ट्रॉफी। देखिए चैंपियन ट्रॉफी भाई हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, हमारे लिए हमारे सैनिक पहले हैं। मोदी साहब ने बोला था कि एक मंच पर आतंकवाद और बातचीत नहीं हो सकती, तो भाई हमें पाकिस्तान कोई शोक नहीं है, ऐसी चैंपियन ट्रॉफी हमारे आर्मी के लिए सो बिछा देंगे। भाई आप लोग क्या रिकमेंडेशन, मेरे वीडियो शुरू करते हैं, क्या भारत को चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए जाना चाहिए या आपकी क्या रिकमेंडेशन में जरूर है, वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैंने 3 से 4 दिन पहले बताया था कि इंडिया की गवर्नमेंट ने आईसीसी के साथ बात की और उन्होंने बोला कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में नहीं आ रहे, और मैंने बोला था कि मेरे पास एक बड़ा पक्का सोर्स है जिससे ये बात मुझे पता चली है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने डायरेक्ट आईसीसी के साथ बात की थी, इसमें उन्होंने ये बोला था कि हम वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहे, और ये वाहिद मैं वो बंदा था जिसने इस न्यूज को ब्रेक किया था, और आज वो न्यूज सच साबित हो गया। जब आप देख रहे हो कि इंडियन मीडिया के ऊपर, आप देख रहे हो कि पाकिस्तानी मीडिया में, या आप देख रहे हो कि हर जगह आपको एक ही चीज मिली है कि बीसीसीआई ने ये ऑफिशियली बोल दिया है कि हम जो है वो अपनी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहे। पाकिस्तान को जब भी एसीसी का इवेंट मौका मिल जाता है तो इंडिया कोई ना कोई वाला वहां से बीच में उठा देता है। एशिया कप में भी यही हुआ था ना? ये हुआ था ना, अभी ये अभी हमने हमारा ये है कि गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, हमारी गवर्नमेंट से इस दफा अपना स्टांस को स्टैंड करें और जो नहीं आए ना आने दे। इंडिया से ज्यादा सिक्योरिटी आई थिंक उनके प्लेयर्स को हम दे देंगे, हम तो वो कौम है जो ग्राउंड भी हेलीकॉप्टर से खुश करते हैं, सीधी बात है, इससे बड़ी क्या बात है। इतना कह ले कि हमारे इधर वैसे जो है किसी को प्रोटोकॉल ना मिले, सियासतदानों को मिले ना मिले, पूरा मार रोड ब्लॉक होता है पीसी होटल से लेकर कजाफी तक का जब कोई टीम आती है, इससे ज्यादा सिक्योरिटी क्या चाहिए उनको। पाकिस्तान के आवाम खुद जो है विराट कोहली रोहित शर्मा के सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे। मुझे मौका मिला मैं खुद क्लैशन को पकड़ के उनके साथ साथ चलने को तैयार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाजे पैगाम दिया है कि अगर इंडिया हमारे साथ पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता चैंपियन ट्रॉफी तो हम लोग किसी सूरत भी न्यूट्रल वेन्यू पे उनके साथ मैचेस नहीं खेलेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ये मैसेज शो करना चाहती है इंटरनेशनल फोरम को कि इंडिया पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ये क्रिकेट का मसला नहीं है, उनको मसला है कि पाकिस्तान को सेफ करार देना है। अगर इंडिया इधर आती है तो उनको मसला है, फिर दुनिया के सामने वो क्या बताएंगे कि हम तो आप उधर क्रिकेट खेलने गए थे, आपने अपने स्टार को भेजे थे। बाबर आजम के इतने फॉलोवर नहीं थे, विराट कोहली की एक फोटो पे लाइक आ जाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो पाकिस्तानी उसमें ज्यादा है। अगर आप उसके कमेंट का भी रीड आउट करें उसमें पाकिस्तानी ज्यादा है, पाकिस्तानी खुद विराट कोहली को पसंद करते हैं, इवन के अनुष्का भाभी भी लाके हो तो आप विराट भाई तुसी भी हो तो आप दोनों हथे बह के नाल चावा भी पियांगे, तुहानू लाहौर दी मेहमान नवाजी विखावांगे, असीं पंजाबी सारे इकट्ठे होवांगे। और ठीक है बैट्समैन को देखो, उनसे मोहम्मद रिजवान से पूछा जाता है कि लो जी की आपकी स्ट्रेटेजी है, तो वो कहता है कि हम वजू करके मैदान में उतरते हैं, ठीक है, सिर्फ इसी माइंडसेट के साथ। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो कैप्टेंसी का है। अच्छा आप देखें इंडिया को, इंडिया जब वर्ल्ड कप खेल रहा था साउथ अफ्रीका के साथ, उनको 24 बॉल्स के ऊपर 25 रन चाहिए, लेकिन इंडिया ने बड़ी प्लानिंग के साथ उसके कैप्टन ने बड़ी टीम को इंगेज करके यूनिटी के साथ इस तरीके से उनको टैकल किया कि उनको रन नहीं बना देती। और एक तरफ हमारे कैप्टन को देखें बाबर आजम को, उसकी कोई प्लानिंग नहीं नजर आती, कोई बॉल की बॉलर को उसको कोई प्लानिंग होती नहीं है। जो गौतम गंभीर है वो एक उसमें पोटेंशियल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, और वो होना भी चाहिए क्योंकि वो किसी प्लेयर के लिए साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगा इस तरह के माइंडसेट का बंदा। जो गौतम गंभीर की सबसे बड़ी क्वालिटी है वो इस चीज में बिलीव नहीं करता कि टीम एक प्लेयर की परफॉर्मेंस से आगे जाती है। इफेक्ट पड़ेगा क्रिकेट के ऊपर, जो क्रिकेट लवर हैं ऑब्वियसली बात है वो हर्ट होंगे क्योंकि वो देखना चाहते हैं इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इंडिया यहाँ पे आए परफॉर्म करे, हमें देखने का मौका मिले विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, तो ये हम मिस करेंगे। अब इंडिया में क्रिकेट एक मजहब है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट एक साइंस है, ठीक है, वो वेदर कंडीशन को देखते हैं,
वो अपने प्लेयर्स की सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा पाकिस्तान में क्रिकेट क्या है। अगर आपकी क्रिकेट अच्छी है ना तो आपको इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, अगर इनमें फॉल्ट आते हैं, इनमें एबिलिटी नहीं होती क्रिकेट को पेश करने की, तो फिर ये मैं ये समझता हूँ कि रिलीजन का सहारा लेते हैं, अल्लाह की तरफ से हार के, अल्लाह की तरफ से हार के। कुदरत का निजाम हमारे साथ नहीं था, ये कुदरत का निजाम इंडिया को क्यों सपोर्ट करता है, हमें क्यों नहीं करता, हालांकि हम मुसलमान है, वो तो सारे हिंदू हैं, लेकिन वो अपनी एबिलिटी के ऊपर, अपने गेम के ऊपर वर्क करते हैं, तो वो अल्लाह ताला की उनकी हेल्प बात थी। पाकिस्तानी वहां पे थूक में पकौड़े तल रहे थे, कहावत है ना, थूक में पकौड़े तलना, ये इनकी आदत है पाकिस्तानियों की। अच्छा, स्कीमें बता रहे हैं टीवी पे, स्कीम ये बता रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान में ज्यादा डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सिक्योरिटी खराब यहां पे हो सकती है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है, तो आप अमृतसर रहो, हमने आपके तीनों चारों मैच हमने आपके लाहौर में रख देने हैं, अमृतसर के किसी बढ़िया फाइव स्टार। ये प्लानिंग बन रही है पाकिस्तानी टीवी स्टूडियो, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा भाई मैं, पाकिस्तानी टीवी स्टूडियोज में प्लानिंग चल रही है। फिर एक काम करेंगे जी, ऐसा है कि ये रहेंगे अमृतसर, अमृतसर से बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के लाहौर आएंगे, मैच खेलेंगे, फिर बस पकड़ के वापस अमृतसर। दे आर एक्चुअली थिंकिंग दैट वे। इनको एक बात समझ में नहीं आई, बात सिक्योरिटी की नहीं है, चाहे बीसीसीआई 10 बहाने लगाए सिक्योरिटी के, और जो बीसीसीआई सिक्योरिटी की थ्रेट है, पर वो मेन कारण नहीं है, मेन कारण ये है कि तुम लोग दहशतगर्द हो, और ये भारत कर रहा है तुम्हें पनिश करने के लिए। पहली बात ये समझ लो कि हो क्यों रहा है, क्या भारतीय टीम को खतरा है, डेफिनेटली खतरा है। अब आप कहेंगे यहां पे ऑस्ट्रेलियंस भी आएंगे, यहां पे तो न्यूजीलैंड वाले भी आएंगे, यहां पे वेस्ट इंडीज वाले आएंगे, यहां पे श्रीलंका वाले, सिर्फ भारत को ही क्यों खतरा है? क्योंकि भैया जो तुमने, मैं कई बार समझा चुका हूं, दोबारा बता देता हूं, कि जो तुम लोगों ने दहशतगर्दी मचाई है, क्या ऑस्ट्रेलिया में मचाई है? नहीं, तुमने कश्मीर और पंजाब में मचाई है दहशतगर्दी। जो तुमने 26/11 करा था वो तुमने केपटाउन में करा था? नहीं, तुमने मुंबई में करा था। जो भी तुम गलत काम करते हो, जो तुम्हारी जंगें तुमने लड़ी हैं, वो न्यूजीलैंड के साथ लड़ी हैं, इंग्लैंड के साथ लड़ी हैं, नहीं भारत के साथ लड़ी हैं। तो भाई तुम्हारा सारा का सारा दहशतगर्दी वाला जो मामला है, या तो इंडिया फेसिंग है, अफगानिस्तान फेसिंग है, थोड़ा बहुत तुम्हारा ईरान फेसिंग है, यही तो बात है। तो भाई जो इंपैक्टेड है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, उससे तो इंसान बचेगा यार, जाहिर सी बात है, तो हमारी टीम भी बचेगी। दूसरी चीज, यू आर बीइंग पनिश्ड। देखो मैं पाकिस्तानी हूं, मैं उल्टी सीधी बात नहीं कहता, ये जो बाकी एनालिस्ट हैं हमारे टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, वो ये करके ये सोशियो पॉलिटिकल, मैं आपको दो टूक शब्दों में समझा देता हूं ये क्या गेम चल रहा है, ठीक है। तुम लोगों ने 27 में से 26 आई थिंक ऐसी कुछ था गिनती तुम्हारी, 27 में से 26 पॉइंट तुमने एफएटीएफ के पूरे कर दिए थे, फिर भी उसके बाद भी तुम 2 साल एफएटीएफ में रहे ग्रे लिस्ट में, हाँ या ना? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई आज जायसवाल साहब है, बड़ा जबरदस्त खेले हैं, और भाई इंडियन टीम में भी अभी इतना कॉम्पिटिशन हो गया है। देखिए जायसवाल साहब है वो टेस्ट के लिए तो भाई परफेक्ट खिलाड़ी बन चुके हैं, टी20 के अंदर भी रफ्तार, यानी कि ऐसे खिलाड़ी ओपनिंग ऐसी है भारत के पास, अभी अभिषेक हो, जायसवाल हो, रोहित शर्मा को ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं भैया रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जायसवाल की जो खेलने का तरीका ना, वो ऐसा नहीं है कि भाई आंख मीच के हर शॉट खेल रहा है, बंदे के साथ क्या है कि भाई आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, तो काफ़ी समय आउट ऑफ फॉर्म चलेगा, लेकिन जब आता है मैच पर, जब छाता है मैदान पर, छा जाता है, यानी कि जब आता है तो छा जाता है। तो आज का मैच भारत ने बड़ी जबरदस्त तरीके से खेला है। बाकी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भाई पाकिस्तान मीडिया और भारत की मीडिया में यही बातें चली हुई हैं, पाकिस्तान का मीडिया यानी कि बोल रहा है कि भाई हम सिक्योरिटी देंगे, ये देखेंगे, पब्लिक बोल रही है, बट जो बातें चली हुई हैं बीसीसीआई की तरफ से भी भाई अभी तक कोई फाइनल नहीं आया है। बाकी देखे इतने साल हो गए अभी तक नहीं खेले हैं, और हाल ही में अभी कश्मीर के अंदर हमारे सैनिक है शहीद किए गए, वो पाकिस्तान की तरफ से ही किए गए भाई, बाहर से यानी कि अंदर से तो कुछ होता है भाई, ये नहीं कहते हैं भाई पूरा बाहर से ही पूरा आके, क्योंकि भाई घर के बेदी लंका डाई, ये पूरा निकाह होता है, तो कहीं ना कहीं भाई कश्मीरी भी कुछ गंदे इंसान है वो इसमें शामिल ज़रूर मिलेंगे। तो अभी श्रीलंका के साथ टूर है, तो भारत की टीम बर्बाद कर देगी पाकिस्तान को, चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगी भाई, जीरो व्यूवरशिप, आईसीसी कुछ नहीं है भारत के बिना। आप लोग क्या रहे, जय जवाहर, जय श्री राम।